हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन। में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटी मसालेदार आलू बैंगन की बहुत ही टेस्टी सब्जी, और इसे आज हम बिल्कुल इजी वे में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चटपटी मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधा किलो बैंगन लिए हैं, और बैंगन हमें बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये पहाड़ी बैंगन लिए हैं, इसकी जगह पर आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैंगन को काटेंगे। तो देखिएगा, इस तरीके से पहले हम इसके ऊपर का जो डंठल होता है उसको काट लेंगे। कुछ लोग डंठल को भी सब्जी में डालते हैं, अगर आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। और पहले देखिएगा, बीच से हम बैंगन को इस तरीके से काट कर चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार बैंगन में कीड़े भी निकल जाते हैं। और अब एक बैंगन के हम देखिएगा इस तरीके से चार पार्ट करेंगे और इसको भी चेक कर लेंगे। और अब देखिएगा, एक पीस को हम दो या तीन भागों में काटेंगे। अगर बैंगन ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे तीन भाग में काट सकते हैं, वरना दो भाग में काट सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के बैंगन को भी काट कर तैयार करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने सभी बैंगन को काट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसके लिए आलू भी काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने बड़े साइज के दो आलू लिए हैं और इनको अच्छे से छील कर धो लिया है। तो इस तरीके से देखिएगा, हम आलू को भी पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आलू भी हमने लंबाई में काट लिए हैं, और इसी तरीके से हम सारे आलूओं को काट कर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आलू और बैंगन की क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने बैंगन और आलू को अच्छे से काट लिया है। तो चलिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ही लिया है, आप चाहें तो अपनी मनपसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बने आलू बैंगन की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमने कढ़ाई में आलू डाल दिए हैं, क्योंकि आलू को फ्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आलूओं को भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करना है, जब तक कि आलू के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए, जब तक हम आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। नमक डालने से क्या होगा, आलू बहुत जल्दी फ्राई होंगे और आलू फीके भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें इनको इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और अब आप देख सकते हैं कि आलू बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं और इन पर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिएगा। और ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें कटे हुए बैंगन भी डालेंगे, और अब बैंगन को भी आलू के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भुनेंगे। बैंगन बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बैंगन बहुत ही जल्दी भुनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके से आलू बैंगन को अच्छे से फ्राई करके बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि सब्जी बनाने का जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है, और सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अब आप देख सकते हैं कि बैंगन भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, और आलू तो हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से पककर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इन दोनों को हम कढ़ाई से निकालेंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वही कढ़ाई है। तो हमने इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर और अच्छे से गर्म कर लिया है। कुछ तेल इसमें पहले से ही था, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें हींग डालेंगे। हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू बैंगन की सब्जी में। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने ये एक बड़े साइज की प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी डालेंगे। और प्याज को हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से भूनना है। तो गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज पर अच्छे से गोल्डन कलर ना आ जाए। और अब देखिएगा, प्याज पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लग गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे क्रश करे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम इनको क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम प्याज के साथ इनको भी अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। और अब देखिएगा, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भरकर डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नॉर्मल यानी कि तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमने पहले भी डाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब सभी मसालों को देखिएगा, हम लो फ्लेम पर इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और अब देखिएगा, सभी मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये 2 बड़े साइज के टमाटर को क्रश कर लिया है, आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। और अब टमाटर को भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि टमाटर का जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से ना निकल जाए, जब तक हम टमाटर को मसालों के साथ भूनेंगे। तो देखिएगा, टमाटर भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गए हैं। तो अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से मसाले भुनेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, बीच में एक बार ढक्कन हटाकर हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और अब देखिएगा टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। दही हमें यहाँ पर ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, फ्रेश ही लेना है। तो ये मेरे घर पर जो हम दही जमाते हैं वही दही है। इसको भी हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे और दही को भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स दही भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए फिर से हम कढ़ाई को ढक देंगे और 5 मिनट के लिए सभी मसालों को फिर से पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद ये देखिएगा सभी मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं, मसालों ने पूरी तरीके से ऑयल को रिलीज कर दिया है और मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें फ्राई करे हुए आलू और बैंगन भी ऐड कर देंगे। और अब आलू और बैंगन को भी हम मसालों के साथ देखिएगा इस तरीके से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो आलू बैंगन को भी हमें 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भुनना है, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो आलू और बैंगन के अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो गैस की फ्लेम हमने इस टाइम पर मीडियम टू लो कर रखी है और देखिएगा सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो इसमें डालेंगे ऊपर से 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे और इनको भी अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स अब इसमें पानी डालेंगे, तो मैं यहाँ पर इसमें लगभग 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी वाली खानी है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आज मैं इसकी सूखी सब्जी बना रही हूँ। फ्रेंड्स जब आप इस तरीके से आलू और बैंगन की सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद ये देखिएगा हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस तरीके से आलू बैंगन की सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ऊपर से फ्रेश कटा हरा धनिया डालेंगे और अब धनिए को भी देखिएगा अच्छे से हम सब्जी के साथ मिक्स करेंगे। और गैस की फ्लेम को इस टाइम पर अब हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने धनिए को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो धनिए का फ्लेवर है वो सब्जी के अंदर तक अच्छे से चला जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की बनाई चटपटी मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू बैंगन की सब्जी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।